first the consequences. I do not care, Mr. Griss. Yes, we know that you don't care because she's not your daughter. मेरा नाम सोहेल है, मैं बारामूला से बिलोंग करता हूं और मैं इस मूवी में एज डीआईजी समीर रस्तोगी का रोल अदा कर रहा हूं। बहुत अच्छा लग रहा है वेरीनाग में आके, वेरीनाग में बहुत टाइम के बाद शूट रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और यहां के लोगों से काफी सपोर्ट मिल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतनी प्यारी जगह है, हर एक बॉलीवुड वाले या हॉलीवुड के बंदे यहाँ पे आके शूट करना चाहिए। और दूसरा, मैं इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, जो प्रॉब्लम्स मैं चाहता हूँ कि सॉल्व हो जाए एरिया के लिए। कहीं पे कुछ टॉयलेट्स नहीं है, मैं सरकार से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि सिंथन टॉप जहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे लोगों के लिए एक टॉयलेट बनाया जाए कम से कम। गवर्नर साहब को एक रिक्वेस्ट करें कि गवर्नर साहब को वहाँ पे एक टॉयलेट बनवाना चाहिए। और मैं एक और अनाउंसमेंट यहाँ पे करूँगा आपके सामने, मेरे जो इसके बाद है, इसके बाद बैक टू बैक 3 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं, वो सारे शूट मैं साउथ कश्मीर में ही कर रहा हूँ, जिसके लिए मैंने वेरीनाग शुपियन ये एरिया लिए हुए हैं। जो हमारा एक प्रोजेक्ट है, इसके बाद नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगा, इकवान टाइटल है, उसके बाद हमारा रहेगा रशिया राइफल स्टोरीज एंड उसके बाद ऑपरेशन कार्गो। ये तीनों प्रोजेक्ट्स में पूरा शूट कर रहा हूँ साउथ कश्मीर से, और हम जो कास्ट करेंगे प्रोजेक्ट के लिए पूरा 70% कास्ट साउथ कश्मीर का ही होगा उसमें, जिसकी वजह से यहाँ का एम्प्लॉय अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो दूर हो जाएगा। राजा निसार नाम है मेरा, मैं साउथ कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। ए मिलियन डॉलर टूरिस्ट जो फिल्म हम शूट कर रहे हैं यहाँ पे, मैंने इस फिल्म में अनंतनाग से ही जो लोकल्स उनकी कास्टिंग की है, और मैं लाइन प्रोडक्शन में भी इसमें हूँ, और मैंने इसमें एक किरदार भी मैं निभा रहा हूँ। बहुत सारे लोकेशंस यहाँ पे है साउथ कश्मीर में। हम बॉलीवुड हॉलीवुड सब लोगों को इस्तेदा करते हैं कि यहाँ पे आइए, देखिए ये लोकेशंस, क्योंकि यहाँ पे इतने अच्छे लोकेशंस आपको मिलेंगे, आइए शूट करिए यहाँ पे। तो हम यहाँ पे बहुत सारे लाइन प्रोडक्शंस है, आइए उनके साथ मिलके, आपको शूट करना है आ जाइए। जी, मेरा नाम मंजूर अहमद है, मैं यही अनंतनाग का रहने वाला हूँ। मैं इस फिल्म का स्क्रिप्ट राइटर हूँ, और ये स्क्रिप्ट मैंने इसलिए लिखी ताकि एक अच्छा कोलैबोरेशन बने यूरोपियन लोकल आर्टिस्ट और बॉलीवुड से। पहले क्या होता था, पहले यहाँ पे बहुत सारे ना इंटरनेशनल टूरिस्ट आते थे, और अब कई सालों से नहीं आ रहे, हालांकि इंडिया से बहुत सारे आने लगे हैं। और इस चीज़ का मुद्दा यही था इस फिल्म का कि यहाँ ये फिल्म एक अट्रैक्शन बने इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए, ताकि यहाँ पे शूट करने भी आए और टूरिस्ट भी आए। शुक्रिया आपका हमको इनवाइट करने का आपके चैनल पे। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब आर्टिकल 370 उठाया गया, उसके बाद मैं 3-4 बार आया हूँ, कुछ एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी मैंने शूट की थी, और जो मैं इम्प्रूवमेंट देख रहा हूँ कश्मीर में वो बिल्कुल अनबिलीवेबल है, स्पेशली जो टूरिज्म की होड़ है। क्योंकि हम जब भी आए, पहली बार मैं आया 2019 में आया मैं, फिर 2020 में आया, 21 में भी आया, 22 में भी आया, और हर साल जब भी आता हूँ मैं, और क्राउड बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। होटल्स फुली बुक्ड रहती है, रेस्टोरेंट्स में जगह नहीं मिलती बैठने की, तो ये बहुत अच्छी बात है कश्मीर के लिए। और फिर मैंने प्लान की ये फिल्म अ मिलियन डॉलर टूरिस्ट, जो कि एक फीचर फिल्म है प्रॉपर, और जिसमें मेरे ब्रिटिश एक्टर्स हैं, और बॉम्बे से काफ़ी क्रू है, यहाँ से लोकल एक्टर्स काफ़ी हैं जिनको हमने चांस दिया है। तो ये फिल्म हम अभी 22 तारीख से यहाँ वेरीनाग में हमने स्टार्ट की। लोगों ने पहले कहा हमको कि गुलमर्ग और दूसरी जगह जो है, जैसे सोनमर्ग हो गया, पहलगाम हो गया, लेकिन फिर जैसे राजा को जब मैं मिला और रैकी करने आया, तो राजा ने मुझे ये साउथ कश्मीर का सारा इलाका दिखाया, और जब मैंने डक्षुम देखा, सिंथन टॉप देखा, वेरीनाग देखा घूम के, और सारी जगहें देखी, तो मुझे लगा कि ये भी एक ऐसा एरिया है जो एक्सपोज नहीं हुआ है और जो एक्सपोज करना ज़रूरी है, यू नो। और दूसरी बात जो आपने पूछी कि फॉरेन से जो फिल्म मेकर्स हैं या बाहर के फिल्म मेकर्स जो हैं, उनके लिए क्या कह सकता हूँ मैं यही कहूँगा कि कश्मीर इज़ एब्सोल्युटली सेफ टू शूट, एंड इट्स अ ब्रिलियंट प्लेस। और ये जो फिल्म पॉलिसी का आप मेंशन किए हैं, इट्स अ वन डोर पॉलिसी, जो कि हम सिर्फ एक ही जगह गए और वहाँ हमने एप्लीकेशन दिया शूटिंग का, साउथ कश्मीर और श्रीनगर का।
और हार्डली 2-3 दिनों में ही हमको सारे परमिशंस एक ही जगह से मिल गए। My name is Carrie Shaw, or Carrie Lawrence, and I just feel really happy and excited to be here. It's so different from any of the sites that we see back home. It's incredible. I think foreign tourists should come. We feel safe, we feel secure, we're really happy, and it is just so incredibly beautiful. You will never see anything like it.